नीट पेपर लीक मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली नीट पेपर मामले को लेकर नेशनल यूथ फ्रंट के बैनर तले युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कोर्ट का फैसला और उसके साथ में राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है, वहीं पर अब जो विद्यार्थी है उन्होंने भी अपने प्रदर्शन को करना शुरू कर दिया है। इस वक्त राजधानी दिल्ली में स्थित जंतर मंतर पर हमारी मौजूदगी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट रखा गया है जो कि इंडिया यूथ के माध्यम से है, जो कि कई सारे बच्चों की आवाज को यहां पर उठाने वाला है, जिसमें कि कई जो विपक्षी नेता वो भी यहां पर शामिल होंगे और नीट परीक्षा में जो धांधली है या फिर केंद्र सरकार का जो भी फैसला है उसको लेकर बहुत कुछ जो बयान है वो अपने रखते नजर आएंगे। यहाँ पर कुछ लोग अभी इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज नीट को लेकर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, छात्रों के लिए क्या कुछ मांग है और क्या इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कहना है? मैं मध्य प्रदेश से यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग यहाँ पूरे मध्य प्रदेश के जितने यूथ हैं वो एक भाव और एक भावना को लेकर पधारे हैं कि ये जो पेपर लीक जो चल रहा है, जो नीट में धांधली सरकार ने की है, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा कहती थी कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हुआ क्या, घोटाले दिए। आज जो ये पेपर लीक हुआ उसमें 24 लाख युवाओं के भविष्य बर्बाद हुए। उन 24 लाख में से 1,03,000 हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं जिन्होंने इस एग्जाम को दिया। अगर परीक्षाओं को रद्द किया जाता है तो काफी लंबा समय हो जाएगा दूसरी और परीक्षा लेने के लिए, तो ऐसे में जो तैयारी लंबे समय से की जा रही है उस पर ये फैसला कितना सही है? देखिए, फैसला तो निर्णय लेना चाहिए। और दूसरी बात, ये इन्होंने जो पेपर जो लीक कराया है ना, ये सरकार की मिली भगत है ये। और इन्होंने बोला कि हम तो पढ़े लिखे इनके रोजगार दे रहे हैं, इन्होंने खुद बोला पढ़े लिखे इन पे पकौड़े तलवा रहे हैं ये लोग। आपने देखा ना, ये जो छात्र हैं, छात्रों की जिंदगी बर्बाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्होंने बोला था हम भी 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार इन्होंने नहीं मिला। वो जो अनभक्त है ना इनके भाजपा वाले, उनको मिला है, उनको दिया है। यानी कहना है कि यूथ के साथ शुरुआत से ही काफी ज्यादा जो नाराजगी है वो उनको दी जा रही है, काफी इंसाफ जो है वो उनके साथ नहीं हो। मोदी सरकार के द्वारा युवाओं को छलावे के अलावा कुछ मिला ही नहीं। जब से मोदी सरकार आई है युवाओं को छला जा रहा है, कभी व्यापम घोटाले में, कभी नीट घोटाले में, कभी नेट घोटाले में, कभी हर घोटाले। ये सरकार घोटालों की सरकार बन चुकी है, विकास तो है ही नहीं। और युवाओं के साथ घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, युवाओं की उम्र बढ़ती जा रही है, ओवरेज होते जा रहे हैं, और शिक्षा का स्तर तो इतना गिर चुका है बीजेपी शासन में कि ये वादे कुछ करते हैं और इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर इंडियन जो यूथ फ्रंट है उनकी तरफ से कई सारे जो लोग हैं, छात्र हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि नीट परीक्षा को लेकर जो धांधली केंद्र सरकार और एनटीए के माध्यम से हुई है उस पर एक पारदर्शिता वाली जांच होनी चाहिए और परीक्षा को रद्द करना चाहिए, ताकि दोबारा से जो छात्र है वो एक बेहतर परीक्षा दे पाए और जो इस परीक्षा के परिणाम को डिजर्व करता है उसे तक वो परिणाम पहुंच पाए। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी दिल्ली।